नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है जून 2023 माह का राशिफल लेकर। यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर यह राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता जितना लग्न राशि के आधार पर रहता। तो कृपा करके यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करेंगे तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। कुंभ लग्न वालों का जून 2023 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। कुंभ लग्न वाले जो होते हैं वो शनि से संचालित होते हैं और शनि का गोचर अभी आपके फर्स्ट हाउस में लग्न स्थान पे चल रहा है। यह गोचर व्यवस्था की बात करें तो होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते। आपके कार्य जो बनेंगे तो जरूर, लेकिन शनि शनि धीरे गति से आपके हर कार्य बनेंगे। मिलेगा आपको सब कुछ, लेकिन धीरे गति से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन स्किल, लेखन कार्य की क्षमता एवं बिजनेस में पिछले एक महीने से आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उन सभी स्थितियों में आप 6 जून के बाद सुधार संभव है। जिनको पहले से पाइल्स, प्रोस्टेट, अल्सर, पेट को लेकर दिक्कत है उन सभी लोगों को यह महीने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। गर्म पदार्थ, इलेक्ट्रिक उपकरण एवं अग्नि से पूर्णतः आपको दूरी बनाकर रखनी है। सरदर्द की शिकायत यह महीने रह सकती है और वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है। मंगल का गोचर आपके सिक्स हाउस में चल रहा है और मंगल की आठवीं दृष्टि आपके लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस को लग्न लग्नी इसको प्रभावित कर रही है। तो आप पहले से ही अपने आप को सावधान करके चलना बेहद आवश्यक है। यह महीने जो है धन का खर्च रहेगा, वो यात्रा और हॉस्पिटल और कार्यस्थल को लेकर धन का प्रचुर मात्रा में खर्च होगा, इसलिए पहले से ही आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो यह महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। भाग्य का साथ आपको यह महीने मध्यम मिलेगा। यह महीने के आखिरी सप्ताह में कोई बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती नजर आ सकती है। 14 जून के बाद आपके कोई भी सरकारी कार्य, रुके फंसे हुए कार्य है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। 14 जून के बाद सरकारी कार्यों से आपको लाभ संभव है। पिता एवं पिता तुल्य व्यक्ति से भी आपको 14 जून के बाद आपको लाभ संभव है। कोई लेख लिखना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह महीने जो यात्रा के जो बने हैं आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक और 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के जो बनेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन को लेकर जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया रहेगा। कुछ शिक्षा वालों के लिए भी मध्यम रहेगा, बशर्ते जो नया एडमिशन लेना चाहते वो विद्यार्थियों को रुक रुक कर सफलता मिलती नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर स्थिति मध्यम रहेगी। कार्यस्थल को लेकर थोड़ी भाग दौड़ एवं कार्यस्थल पर थोड़ा उग्रता वाला वातावरण रह सकता है, क्योंकि आपका 10th हाउस का जो अधिपति वो मंगल है। मंगल निर्जस्त रहेगा पूरे महीने, आपके 6th हाउस में रहेगा, तो थोड़ा कार्यस्थल को लेकर सचेत रहना अति आवश्यक है। थोड़ी भाग दौड़, वर्कलोड की दिक्कतें यह महीने कार्यस्थल को लेकर रह सकती है। बात कर लेते फाइनेंस की। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहद मजबूत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस को लेकर यह महीना जो है बढ़िया रहेगा। धन आएगा भी और धन जाएगा भी। शुक्र का गोचर 6th हाउस में होने के कारण धन की मात्रा प्रचुर मात्रा में खर्च भी होगा और 2nd हाउस के अधिपति का संबंध राहु के साथ होने के कारण धन की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आपको पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। यह महीने जो धन लाभ की ओपन है आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। उन तारीखों में आपके कोई भी जगह रुके हुए फंसे हुए पैसे पड़े तो सभी पैसे इन तारीखों में प्राप्त होते नजर आ सकते हैं। हम आपको तारीख बता देते हैं, आप तारीख नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से धन की प्राप्ति आपको होगी। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन को लेकर मंगल की दृष्टि लग्न स्थान में पड़ने के कारण आपका स्वयं का स्वभाव उग्रता वाला रह सकता है, इसीलिए लाइफ पार्टनर के साथ आपको सामंजस्य बनाकर चलना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर जिनको पहले से प्रोस्टेट, पाइल्स, अल्सर को लेकर दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। गले में दर्द एवं जलन की शिकायत रहेगी। गला खराब यह महीने आपका रह सकता है। बात कर लेते हैं संतान की। संतान को लेकर स्थिति बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। संतान से यह महीने आपको लाभ संभव है और जून 2023 का जो महीना है वो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बेहद बढ़िया साबित हो। उसके लिए हम आपको थोड़े उपाय बता देते हैं। आप कृपा करके उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को कोई भी हनुमंत मंदिर में जाकर दिया प्रज्वलित करके 7 बार संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है।
और प्रतिदिन एक पाठ शिष्य उत्तम का करना है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहद बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।